हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए थे 5.3 के। आज हम आगे करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट है ये। इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, आपको फॉल्स बताना है कौन सा है। देखो ये स्टेटमेंट लिख दिया आपके पास, इसका क्या मीनिंग होता है, ये क्या डिनोट करा है, एब्सोल्यूट वैल्यू को। ठीक है, बताया था ना कैसे निकालते हैं, अगर माइनस का साइन है तो उसको हटा देंगे। ठीक है, तो देखो ये लिख दिया मैंने, इसमें देखो पहले क्या करोगे आप, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है 4+2 की। तो पहले हम इसको ऐड करेंगे, फिर हमारे पास एक नंबर आएगा, फिर हम उस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कर देंगे। तो करो, तो 4+2 कितना हो जाएगा 6, और 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू में 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, एक बार मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, अगली लाइन में सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 6 ही आएगा। क्या मीनिंग होता है इसका, अगर माइनस का साइन है तो उसको हटा देंगे, माइनस नहीं है तो एज इट इज आ गया, इसमें भी एज इट इज, इसमें भी एज इट इज। 6 इक्वल टू 4+2 कितना हो गया 6, इक्वल आ गए ना, तो आंसर क्या है इसका, ट्रू है ये। ठीक है, ऐसे ही आपको फिर सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, 2-4 एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4। देखो क्या करोगे, पहले इसको सोल्व करो, पहले अंदर वाले नंबर को सोल्व करेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना हम, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 2 आएगा, लेकिन बड़े नंबर के आगे माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, -2 एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर है ये 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू और 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू। इसके बाद देखो क्या करना होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू से क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 2+4, ये आ गया 2 इक्वल टू 4+2 क्या आ गया 6, और ये क्या है, फॉल्स है, इक्वल नहीं है ना ये, तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट करने हैं। देखो क्या है, ये दोनों पार्ट भी कर लोगे, इसका मैं लास्ट वाला पार्ट करा देती हूँ, थर्ड पार्ट आप खुद करोगे। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये स्टेटमेंट दे रखी है आपको। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम सोल्व करेंगे अंदर वाला, अंदर देखो क्या है, -2। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर 4 है इक्वल टू में एब्सोल्यूट वैल्यू -2 एब्सोल्यूट वैल्यू -4। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, बताया था मैंने, क्या होता है, माइनस माइनस प्लस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4+2 कितना आ गया 6, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया -2 और ये हो गया -4। उसके बाद क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, ये 6 आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 इक्वल टू 2+4 कितना हो गया 6, और ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें आपको ये टेबल बना रखी है, टेबल को कंप्लीट करना है आपको। देखो कैसे कंप्लीट करोगे, जैसे आप ये फर्स्ट वाला देखते हैं, इसमें क्या करना है आपको, इसके इस बॉक्स के हम ऊपर चले जाएंगे और इस तरफ चले जाएंगे, जो नंबर आते हैं उनको क्या करना है, देखो यहाँ पे ऐड लिखा है ना, तो हमें ऐड करना है, तो देखो किस किस को करना है, हम इस बॉक्स को फिल कर रहे हैं अब, तो इसके इस तरफ चले जाओ, क्या है 6, तो 6 और प्लस में, फिर ऊपर जाओ तो क्या है -6, तो क्या आएगा -6। अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 6-6 कितना आ गया आंसर 0, तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है, जैसे हमें इस बॉक्स को करना है, अब इस बॉक्स में इस तरफ जाते जाओ, क्या नंबर आया 6, तो 6 लिख लिया हमने प्लस में, अब इसमें ऊपर चले जाओ, ऊपर नंबर क्या है माइनस का 4, तो -4 आएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 6-4 कितना आ गया 2, तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। किसी की भी निकाल लिया, मान लो मैंने बीच से कोई उठा लिया बॉक्स, जैसे ये उठा लिया मैंने, इस बॉक्स की निकालनी है आपको, तो क्या करोगे, इस बॉक्स में इस तरफ जाओ, क्या आया -2, -2 लिख लिया हमने प्लस करके, अब इस बॉक्स में ऊपर क्या है 0 है, तो प्लस में 0 आएगा, तो -2+0 कितना होगा -2, तो यहाँ आंसर क्या आएगा -2। ठीक है, ऐसे ये पूरी टेबल को कंप्लीट करना है, जिस भी बॉक्स की निकालनी है आपको, इस बॉक्स की निकालनी है, इसमें इस तरफ चले जाओ, जो नंबर है -6 प्लस करके, इसमें सबसे ऊपर क्या नंबर है -4। ठीक है, -6 प्लस माइनस क्या होगा -4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो दोनों को ऐड कर देंगे 10 आ जाएगा, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो साइन भी माइनस का आएगा, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे -10। ऐसे ही पूरी टेबल कंप्लीट कर लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे आंसर में टेबल कंप्लीट करके दे रखी है, पहले आप खुद से करेंगे फिर मैच करके देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो इसका फर्स्ट पार्ट जो है, फ्रॉम द टेबल, टेबल जो आ जाएगी आपकी कंप्लीट होके, उसको देख के आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। राइट ऑल द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज 0, ये बोला है किस किस का सम 0 आता है,
मतलब जब आप ये फिल करोगे तो कौन कौन से पे जीरो आ रहा है, ठीक है, तो किसको किसको ऐड किया आपने। देखो ये पूरी टेबल कंप्लीट कर दी, मान लो आपने ये आंसर आएगा आपका, इसमें देखो जीरो कहाँ दिख रही है आपको, ये यहाँ से लेके ऐसे जीरो चलती जा रही है, यही है ना। तो देखो जीरो कब आई आपकी, ये जीरो कब आई, जब हमने सिक्स और माइनस सिक्स को ऐड किया, तो पेयर क्या बन गया, सिक्स कोमा माइनस सिक्स। दूसरा देखो ये जीरो कब आई, जब हमने फोर और माइनस फोर को किया, फोर माइनस फोर। अगली जीरो देखो ये जीरो है, ये कब आएगी, जब हम टू को और माइनस टू को ऐड करेंगे, अगला पेयर आएगा टू माइनस टू, ठीक है। तो ऐसे ये सारे पेयर लिख रखे हैं आपके पास आंसर में, जैसे ये वाली जीरो है, ये कब आएगी, जब माइनस फोर, सबसे ऊपर क्या है फोर, तो माइनस फोर और फोर आएगा, ये हमने लिख दिए, ये एक बार लिख चुके थे तो इसलिए दोबारा नहीं लिखना हमें, ठीक है। ऐसे करके इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। अगला देखो क्या कह रहा है, इज माइनस ये वाली चीज इक्वल है या नहीं है, मतलब माइनस फोर और माइनस टू इनको ऐड करें और फिर माइनस टू और माइनस फोर को ऐड करें, क्या वो इक्वल आया या नहीं आया। देखो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, देखो माइनस फोर प्लस माइनस टू ये है ना, तो क्या होगा, प्लस माइनस 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 टू हो गया, माइनस 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 हो गए दोनों, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो फोर प्लस टू कितना हो जाएगा सिक्स, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो इसका आंसर कितना आया माइनस सिक्स। अब दूसरे वाले को सोल्व करेंगे, दूसरा वाला क्या है माइनस टू प्लस माइनस फोर, फिर से प्लस माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो फोर प्लस टू सिक्स हो गया और साइन आएगा माइनस का, दोनों सेम आगे तो आंसर क्या आएगा यस ये इक्वल है। अब जैसे ये वाला पूछ लिया ये इसके इक्वल है या नहीं है, तो बताओ जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे वही आएगा, तो माइनस सिक्स ही आएगा इसका आंसर, ये भी ट्रू है, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू बतानी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो एक्स की वैल्यू कैसे बताएंगे, देखो फर्स्ट पार्ट दे दिया इसने एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो आपको क्या करना है एक्स लिख दिया हमने इक्वल टू करके, ठीक है, यहाँ पे प्लस वन है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू है ना उसका साइन चेंज करके लिख देंगे, तो यहाँ क्या आ गया एक्स की वैल्यू माइनस वन। इसका बताओ क्या आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस फाइव, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी थ्री, इसका साइन चेंज करोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एट, प्लस का आएगा ना इस तरफ आके, ऐसे इसमें एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस सेवन, और इसमें एक्स की वैल्यू जीरो ही आ जाएगी, जीरो है तो, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लेंगे, कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। ओके थैंक यू।